हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज वायर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेटफॉर्म के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। भारतीय रेल तेजी से बदल रहा है। अब भारत में वंदे भारत जैसी सेमी बुलेट ट्रेन भी चलाई जाती है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथे नंबर पर आती है और 1,14,800 किलोमीटर के ट्रैक के साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइंस में से एक है। भारतीय रेल नेटवर्क में कम से कम 7,500 स्टेशन मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रेल में आप यात्रा कर रहे हैं वह कितनी बड़ी है? आइए जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में। प्लेटफॉर्म के मामले में भारत के सबसे बड़े स्टेशनों की लिस्ट में नंबर 10 पर आता है पटना जंक्शन। दोस्तों, पटना जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसका पुराना नाम बांकीपुर जंक्शन था। ये स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, जो दिल्ली और कोलकाता को एक साथ जोड़ता है। पटना स्टेशन पर कुल 10 प्लेटफॉर्म हैं और 15 रेलवे ट्रैक हैं। इस स्टेशन से प्रतिदिन तकरीबन 281 ट्रेनें गुजरती हैं। इस स्टेशन से रोजाना करीब 2,00,000 यात्री सफर करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ से हर 6 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है और यहाँ से आपको लगभग हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इसका स्टेशन कोड TNBE है। ये सबसे प्राचीन स्टेशनों में से एक है, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है प्रयागराज जंक्शन। दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन एक ए ग्रेड रेलवे स्टेशन है, जिसमें एयर कंडीशन वेटिंग रूम्स, डॉर्मेटरीज, रिटायरिंग रूम, फूड स्टॉल और यहां तक कि फ्री वाईफाई भी मौजूद है। इस स्टेशन पर कुल 20 रेल ट्रैक है और यहां से रोजाना करीब 230 ट्रेनें गुजरती हैं। प्रयागराज जंक्शन में फिलहाल 10 प्लेटफॉर्म है, लेकिन रिमॉडलिंग के बाद इसमें 12 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, जिसमें 2 कॉन्कोर्स, 42 लिफ्ट और 29 एस्केलेटर भी शामिल होंगे। प्रयागराज जंक्शन को पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन योगी जी ने 2020 में इसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया। यह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है तथा इसका स्टेशन कोड PRYJ है। फिलहाल प्रयागराज जंक्शन में रिमॉडलिंग का काम चल रहा है और 2025 का महाकुंभ का मेला शुरू होने से पहले प्रयागराज जंक्शन एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन जाएगा, जिसमें पैसेंजर्स को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लिस्ट में नंबर 8 पर आता है कानपुर सेंट्रल। दोस्तों, कानपुर सेंट्रल भारत के नॉर्थ सेंट्रल जोन में स्थित रेलवे स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। यहाँ कुल 11 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से हर रोज करीब 360 ट्रेनें गुजरती हैं। कानपुर स्टेशन पर कुल 28 रेलवे ट्रैक हैं और यहाँ हर रोज करीब 2,50,000 से अधिक पैसेंजर्स आते हैं। यात्रियों की संख्या के मामले में ये स्टेशन तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग रेलवे लाइंस का विश्व रिकॉर्ड इसी स्टेशन के पास है। वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर से होते हुए दिल्ली जाती है। इसको पहले कानपुर नॉर्थ बैरक्स के नाम से जाना जाता था। इस स्टेशन का कोड CNB है। लिस्ट में नंबर 7 पर आता है अहमदाबाद जंक्शन। दोस्तों, अहमदाबाद जंक्शन गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। अहमदाबाद स्टेशन पर कुल 12 प्लेटफॉर्म है तथा यहां से हर रोज करीब 352 ट्रेनें गुजरती हैं। अहमदाबाद जंक्शन पर कुल 16 ट्रैक है और ये स्टेशन हर रोज करीब 2,00,000 से अधिक पैसेंजर्स को सेवा प्रदान करता है। ये स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन का दूसरा सबसे अधिक पैसे कमाने वाला स्टेशन है। ये स्टेशन काफी मॉडर्नाइज्ड है और इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, गोल्फ कार्ट, VIP लाउंज और अन्य सुविधाएं मौजूद है। इस स्टेशन का कोड ADI है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, खड़गपुर जंक्शन वेस्ट बंगाल के साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का सबसे व्यस्त स्टेशन है। आपको बता दें कि खड़गपुर स्टेशन पर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है, जिसकी लंबाई 1073 मीटर है। साल 2013 तक खड़गपुर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था।
इस स्टेशन में कुल 12 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रोजाना तकरीबन 275 ट्रेनें गुजरती हैं। दोस्तों, खड़गपुर स्टेशन में एशिया का सबसे बड़ा सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। खड़गपुर स्टेशन पर कुल 24 ट्रैक है और इसका स्टेशन कोड KGP है। लिस्ट में नंबर 5 पर आता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेशन है, लेकिन ट्रेन और पैसेंजर्स के नजरिए से ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। हर रोज 5 लाख से अधिक यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुल 16 प्लेटफॉर्म और 18 रेलवे ट्रैक है, जिनसे हर रोज करीब 400 ट्रेनें गुजरती है। दोस्तों, ये स्टेशन दुनिया का सबसे जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम होने का रिकॉर्ड रखता है। इतना ही नहीं, ये भारत का सबसे ज्यादा कमाई वाला रेलवे स्टेशन भी है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन भी यहीं से शुरू और खत्म होती है, जो एक शानदार लग्जरी ट्रेन है। ये स्टेशन काफी मॉडर्नाइज्ड है। 1 जनवरी 1867 में यहाँ पहली ट्रेन पहुँची थी। इसका स्टेशन कोड NDLS है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल साउथ इंडिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। चेन्नई स्टेशन एक बहुत ही बड़ा और भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन पर कुल 17 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रोजाना करीब 454 ट्रेनें गुजरती हैं। 17 में से 5 प्लेटफॉर्म से केवल सब अर्बन ट्रेनें ही चलती हैं। हर रोज करीब 4.5 लाख यात्री इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेशन के अंदर ताजे पानी के लिए एक पावरफुल रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी लगा हुआ है। इस स्टेशन की बनावट भी बहुत शानदार है और यहाँ से आपको भारत के हर हिस्से के लिए कोई ना कोई ट्रेन मिल ही जाएगी। इसका स्टेशन कोड MAS है। लिस्ट में नंबर 3 पर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जो सेंट्रल जोन में आता है। यहाँ कुल 18 प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हर रोज करीब 260 ट्रेनें गुजरती हैं। आपको बता दें कि इस स्टेशन पर 40 से भी अधिक रेलवे ट्रैक हैं और ये स्टेशन रोजाना 6 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। इस स्टेशन पर आप हर वक्त भीड़ देख सकते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये स्टेशन भारत के सबसे फेमस रेलवे स्टेशन में से एक है। इसका कारण है कि ये स्टेशन कई बॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता है और ये स्टेशन बाहर से देखने में भी किसी महल जैसा लगता है। इस स्टेशन से ना सिर्फ लॉन्ग रूट की ट्रेनें चलती हैं, बल्कि यहाँ से मुंबई लोकल ट्रेनें भी चलती हैं। इसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनल रखा गया था। इसका स्टेशन कोड CSMT है। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है सियालदह रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थित सियालदह स्टेशन प्लेटफॉर्म के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सियालदह स्टेशन पर कुल 21 प्लेटफॉर्म है, जो नॉर्थ टर्मिनल और साउथ टर्मिनल में बंटे हुए हैं। इस स्टेशन पर कुल 28 ट्रैक हैं और यहां से हर रोज करीब 314 ट्रेनें गुजरती हैं। आपको बता दें कि इस स्टेशन पर हर रोज करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग आते जाते रहते हैं। सियालदह स्टेशन कोलकाता का एक महत्वपूर्ण सब अर्बन स्टेशन है, जो ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है। ये स्टेशन भी अंग्रेजों के जमाने से ही मौजूद है और इसे बने हुए लगभग 158 साल हो चुके हैं। इसका स्टेशन कोड SDAH है। सबसे बड़े स्टेशनों की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है हावड़ा जंक्शन। दोस्तों, हावड़ा जंक्शन हमारे देश का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। हावड़ा जंक्शन पर कुल 23 प्लेटफॉर्म है और 26 रेल लाइन बिछी हुई है। कई लोग तो इसे रेल नगर भी कहते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार इस स्टेशन पर जाएंगे तो लगेगा जैसे पूरा शहर यहाँ समाया हुआ है। यहाँ से हर रोज तकरीबन 670 ट्रेनें गुजरती हैं, जो किसी भी दूसरे रेलवे स्टेशन की तुलना में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा स्टेशन होने के साथ साथ ये भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि इस स्टेशन से हर रोज करीब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख से ज्यादा लोग आना जाना करते हैं। अगर आप बॉलीवुड की पुरानी से लेकर नई फिल्मों को देखें, तो हावड़ा जंक्शन कई बार फिल्मों में आया है और इसे कोलकाता की शान कहा जाता है। भारत का ये इकलौता रेलवे स्टेशन है, जिसका रेल कनेक्शन डायरेक्ट बांग्लादेश से है और मैत्री एक्सप्रेस, जो सीधे कोलकाता से ढाका के बीच चलती है।
दोस्तों, इस जंक्शन पर एक साथ एक ही समय पर कई ट्रेनें खड़ी की जा सकती है। बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी यह स्टेशन विदेश के स्टेशनों से कम नहीं लगता। इस स्टेशन का निर्माण 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। इसका स्टेशन कोड HWH है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इनमें से कौन सा स्टेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।